नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करती हूँ सारे लोग स्वस्थ हैं और अपने अपने तरीके से खुश हैं। तो आज हम एक कविता लेके आए हैं। कविता का जो बांग्ला नाम है वो है पोचीशेर कोबिता और इसके लेखक हैं श्री तीनकोरी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं 25 की कविता। लेखक श्री तीनकोरी पात्रो। सारे काम रहने दो आज, सारा दिन और रात जितनी तपिश सब बेल चमेली रजनीगंधा के साथ शुरू हो दिन, झूम उठे शाम, शब्द संगीत मिल हो वो मधुर और भी सुमधुर, मंगलमय शंखनाद के साथ पूर्ण वैशाख प्रभात रवि को उसके उष्ण एहसास के साथ गीत हो, गीत जिसके सुगंध हवाओं में खुलकर पहुंच रहा है देश विदेश, संग लेकर चला है 25 का बुलावा वो। सब कुछ रहने दो आज, पूर्ण वैशाख पूर्ण हो प्राण, निश्चल मन हो उज्जल हो चंचल, चहु दिशाओं में रहे रविवाणी संगीत, सबका जहावाद प्रवेश मुक्त गति मुक्त विचरण, बहना मोरे बजाओ शंख बजारे भाई जोर से, रवि को आज नहीं जाने देंगे प्रतिदिन उन्हें बात रखेंगे अपने हृदय मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ तक ही था ये कविता। इसके जो सिग्निफिकेंस है ये मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आज 21 वैशाख है 1428 बंगाब का और बंगाब की, और ये जो कविता है ये 1380 बंगाब में लिखा गया था लिखी गई थी। और इसका जो सिग्निफिकेंस है, और 4 दिन बाद मतलब रविवार को हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हर बंगाली के लिए वो जो रविवार है जो 25 वैसाख है वो दिन और एक हैप्पी न्यू ईयर होता है और एक नववर्ष होता है, वो उनके मन का नववर्ष होता है। क्योंकि उस दिन कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर उस दिन पैदा हुए थे, वो आए थे हमारे लिए आए थे, हम सारे बंगालियों के लिए आए थे, ताकि वो हम लोगों को हर एक दिन हर एक द्वंद में हर एक खुशी में हर एक गम में जीने के लिए एक सुंदर सा मधुर सा एक संगीत, एक कविता, एक पंक्ति, एक रचना, एक कहानी कुछ देके हम लोगों को उज्जीवित करके जाए, उद्बोधित करके जाए। तो आज हम आने वाले 25 तारीख के लिए ये कविता उनके लिए, उनको श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए आज हमने ये कविता निर्वाचित किए हैं। निर्वाचित करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं पिताजी को मांगी थी तो उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स के तौर पे मुझे दिए थे। आशा करती हूँ कि मैं ये कविता उनके भाव के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, आप लोगों के साथ मैं बांट पाई। तो चलिए खुश आज के लिए इतना ही। आशा करूँगी सारे लोग स्वस्थ रहेंगे खुश रहेंगे, जो जहाँ पर भी हैं जहाँ पर भी रहें सच्चाई के साथ सत्यता के साथ खुशी के साथ आनंद के साथ रहिए स्वस्थ रहिए। इतने आशा के साथ आज हम ये जो परिवेशना है यहाँ पर ही मैं ख़त्म करती हूँ, यहाँ पर ही मैं समाप्त करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल और एक नए परिवेशना के साथ। तब तक के लिए शुभ मस्तु।